नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन। हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी, तो मैं आज अपना चूल्हा जो पुराना वाला है, छत पे मैं रेसिपी बनाती थी, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से क्या हाल हुआ है चूल्हे का। तो मैं ये फुलझरी झाड़ू ली हूँ, तो ये छत को मैं बटोर दे रही हूँ जो कचड़ा पत्ती है। तो ऐसे हमें साफ सफाई कर लेना है यहाँ। तो मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं एक चूल्हा और रखने वाली हूँ, ये जो है मिट्टी में हटा दे रही हूँ, और मैं इसका साफ सफाई करके बढ़िया से चिकन करके दूसरा चूल्हा रखूँगी, और ये भी चूल्हा रहेगा यहीं पर। साइड में मैं एक एक ईंट और लगा दे रही हूँ। तो ये मिट्टी को मैं फैला दे रही हूँ इस तरीके से। दोस्तों, मिट्टी फैलाया जाता है ईंट लगा के। जब रेसिपी बनाते हैं देसी चूल्हे पे, तो जो छत पे जो नहीं जाता है, आग जलता है, तो इसीलिए ईंट लगा के मिट्टी लगाया जाता है। बारिश की वजह से चूल्हा जो है कि फूल के बहुत मोटा हो गया है, तो मैं खुरपी की सहारे से जो है कि इसे जो है मिट्टी निकाल दे रही हूँ। फूला हुआ हमने इतना मिट्टी निकाला हुआ है। एक चूल्हा मैं और रख दे रही हूँ। तो दोस्तों, हम लोग मई जून के महीने में एक्स्ट्रा चूल्हा बना के रख देते हैं, क्योंकि गैस चूल्हे पे कम खाना बनाते हैं, देसी चूल्हे पे ज़्यादा बनाते हैं। तो मैं ऐसे मिट्टी पे पानी छिड़क दे रही हूँ, ये बैठ जाएगा मिट्टी। तो ये देखिए, पोतने वाली मिट्टी है, तो ये एकदम वाइट है, तो मैं इस प्रकार से तोड़ ले रही हूँ और इसमें पानी डालूँगी। तो मिट्टी में पानी डाल दे रही हूँ, बहुत जल्द मिट्टी गल जाएगी। ये देखिए कितना जल्द गलना स्टार्ट हो गई है, देखिए। तो मिट्टी का लेप मैं लगा दे रही हूँ, इसे मिट्टी लगा लेके हाथ में। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी कितनी अच्छे से गल गई, एक भी इसमें जो है कि ढोका नहीं है। एक चूल्हे में हमारा लेप लग गया है मिट्टी का, तो दूसरे में मैं लगा ले रही हूँ, उसके बाद में पोतूंगी चूल्हा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों चूल्हे में लेप लगा लिया है। तो मैं कपड़ा ली हूँ, कपड़ा के सहारे से मैं चूल्हा को पोत दे रही हूँ, तब पोत के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, बहुत धूप लग रहा है, मैं छाता ले ली हूँ, और ये देखिए मेरा लास्ट का है, हो गया है कंप्लीट। तो जड़ुआ चूल्हा हमारा बनके कंप्लीट है। आप लोगों को कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट करके। तो ये आगे का भाग है, ये पीछे के साइड में है। तो दोस्तों, इतना मेहनत के बाद हम लोग इस पर रेसिपी बनाते हैं देसी चूल्हे पे। तो यहाँ देखिए, हमारी बिटिया रानी फूल भी लगाई हुई है, बहुत अच्छे से खिला हुआ है। यहाँ मक्का और उरूद बोई है। यहाँ दो गमले में फूल लगाया गया है। तो ये देखिए, भिंडी है, मूंग का पौधा है, मक्का है, गेंदा का फूल है। हमारी बिटिया रानी ने कितने अच्छे से सब, जब स्कूल से आती है तो यही सब करने लगती हैं। यहाँ तसले में लगाया गया है, देख लीजिए कितना अच्छे से खिला हुआ है फूल, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ बाल्टी में लगाई हैं फूल। तो इस गमले में देखिए, नेनुआ का पौधा लगाई है। ये एलोवेरा है, हो गया है, तो ये लटक गया है, गिर गया है। ये तुलसी का पौधा है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का मौसम। यहाँ नीम की हरियालियाँ हैं, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।